अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी अनम असलम फ्रॉम काशीज़ और सहर हयात। मैं आ गई हूँ आपकी न्यू वीडियो, न्यू ड्रामे को एक्सपोज करने के लिए और उसके बारे में लोगों को बताने के लिए। तो सहर हयात, जब आपने मॉडर्न होकर काशीज़ को डीफेम करने की कोशिश की तो आपका ये आइडिया फ्लॉप हो गया, तो आपने फ़ौरन सर पे दुपट्टा ओढ़ कर नाउज़ु बिल्ला अपने झूठी बात पर कलमा पढ़ लिया। अब जी, तो ये अब सीसीटीवी फुटेज आप गार्डन एरिया की देख लें। इसमें जो है अभी आप देख रहे हैं कि ये लाइट मैन जो है वो लाइट लेकर आया है और ये हमारा प्रोफेशनल फोटोग्राफर है जो वहाँ पर खड़ा हुआ है। कोई बहुत ज़्यादा मर्दों का हुजूम नहीं है यहाँ पर। अच्छा, स्टैंडर्ड टाइम इस वक्त हो रहा है 20:32, इट मीन्स के 8:30, ठीक है। और ये शूट स्टार्ट हो गया है और ये प्रोफेशनल कैमरे से जो है वो शूट स्टार्ट हुआ है सहर हयात का, जो कि उन्होंने कहा कि भाई उनके पास कोई प्रोफेशनल कैमरा नहीं था। तो आप ये देख सकते हैं कि ये प्रोफेशनल कैमरे से उनका शूट स्टार्ट हुआ है। अच्छा, ये जो है यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं है। अच्छा, इसमें जो है आप लोगों ने बहुत ध्यान से सारी चीज़ों को नोट डाउन करना है। टाइमिंग्स को मैं आप लोगों को प्रॉपरली मेंशन करती रहूँगी और इसके अलावा जो ये पूरा शूट चल रहा जैसा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वही जगह है जिसकी वीडियो सहर हयात ने दिखाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह इसी जगह की वीडियो मौजूद है जो सहर हयात की दोस्त ने बनाई थी और सहर ने कहा था कि इस जगह की वीडियो दिखाएँ। तो आप देख सकते हैं कि इस जगह पर मेरे स्टाफ का वो लड़का जो फोटोग्राफर है और बकौल शहर के हरास किया था, अब आप देख सकेंगे कि क्या हरासमेंट हो रही है या मिसबिहेव हो रहा है या रूडनेस, और वो कौन कर रहा है, मेरा फोटोग्राफर कर रहा है या शहर कर रही हैं। तो असल हकीकत ये है कि मेरा फोटोग्राफर शहर से कहता है कि चाय का कप रख दें और चलें चलें शूट स्टार्ट करें। तो इनको ये बात बहुत बुरी लग जाती है। जी, शहर को ये बात बहुत बुरी लग जाती है और वो इस पे उसको कहती हैं कि मैं सहर हयात, मुझसे कोई इस तरह बात नहीं कर सकता, और उनका मूड जो है वो ख़राब हो जाता है। तो उनके मूड को ठीक करने के लिए मेरा फोटोग्राफर उनसे कहता है कि मैं मजाक कर रहा था, फिर भी वो बहुत गंदे लहजे से बोलती हैं कि अगर ध्यान दिया हो तो आपको उसमें भी समझ आएगा, और जो मैंने देखा, मैंने डिटेल में अपनी सीसीटीवी फुटेज में देखा, उससे भी मैंने इस चीज़ को नोट किया कि शहर का लहजा जो है वो बहुत हार्श था, कि मतलब आप मुझसे इस तरह से मजाक नहीं कर सकते, आपका मुझसे कोई वे नहीं बनता मजाक करने का। उस पर भी मेरा फोटोग्राफर जो है वो हंस के उनको जवाब देता है कि ठीक है, पर वो बात उससे बर्दाश्त नहीं होती और वो अपना मोबाइल जो है वो हमारे दूसरे फोटोग्राफर को दे के वहाँ उस जगह से, शहर के पास से चला जाता है। और उसके बाद वो उस पूरे शूट में अगर नज़र भी आएगा तो बहुत दूर नज़र आएगा, जो मैं आपको दिखाऊंगी आगे, कि वो उस शूट पे फिर उसके बाद मौजूद ही नहीं है। अच्छा जी, मैं यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि थोड़ा सा, एक छोटा सा एक और क्लिप मैं सहर का दिखाना चाहूँगी कि सहर ने ये कहा है, जैसे कि आप लोगों ने अब ये क्लिप देख लिया होगा, कि सहर ने ये कहा कि उनके पास मोबाइल नहीं था, ये जो मोबाइल था ये उनकी दोस्त यास्मीन का था। जबकि जो है, मैं सहर को थोड़ा सा याद दहानी करा दूँ कि जो यास्मीन के हाथ में मोबाइल है वो अक्सर, जाहिर सी बातें, शहर के हाथ में भी हमने देखा है। अभी इतनी सर्चिंग चल रही है, इतना देखना हो रहा है शहर को, हम देख रहे हैं, जान रहे हैं। तो जो बेसिकली यास्मीन के हाथ में मोबाइल है, आप उस मोबाइल का कवर और वो मोबाइल आप देख सकते हैं कि वो जो है वो शहर का ही मोबाइल है, जो कि आपने अक्सर शहर के हाथ में भी देखा होगा। ये जो सेम मोबाइल है, तो इसमें देखिए, आपकी बात जो है मैं ये कहूँ शहर की यहाँ पकड़ी जा रही है। आप कह रही हैं कि आपका मोबाइल जो है वो मेरी टीम के पास था, जबकि सीसीटीवी फुटेज में भी कहीं भी मेरे टीम के पास आपका मोबाइल नहीं है। हाँ, जो आपका मोबाइल है वो आपकी दोस्त यास्मीन के पास है, जबकि आपने अपनी इस क्लिप में बोला है कि आपके पास मोबाइल नहीं था, आपका मोबाइल मेरी टीम के पास था, जबकि आपका जो मोबाइल है, ऐसा कोई भी मोबाइल हमें अपनी सीसीटीवी फुटेज से अपनी टीम के किसी भी स्टाफ मेंबर के पास नहीं दिख रहा। हाँ, आपकी
फ्रेंड के पास जरूर दिख रहा है। अच्छा जी, टाइम हो रहा है अभी 20:59, इट मींस 9:00 हो गए हैं। अच्छा, जो ये सीन सारा क्रिएट हुआ कि सहर हयात से बदतमीजी हुई या सहर हयात को हरास किया गया, वो टाइम जो था वो 9:15 का था। उसके बाद जो है 9:00 सहर हयात इस बैकग्राउंड से अपना शूट कंप्लीट करा के नीचे आ चुकी हैं। अच्छा जी, आप अभी CCTV फुटेज में ये चीज़ देख रहे होंगे कि सारी बातें होने के बाद अब जब नीचे आई हैं और ये बिल्कुल ही कोई रिलैक्स और बहुत ही कोई इंजॉय कर रही हैं, ये बहुत ही कोई डांस कर रही हैं, मतलब इनके चेहरे से कहीं लग ही नहीं रहा कि ये किसी स्ट्रेस का शिकार हैं या इनको कोई मसला है। और आप CCTV फुटेज में देख सकते होंगे कि ये बिल्कुल ही रिलैक्स होकर डांस कर रही हैं और अपनी मोबाइल में वीडियो बना रही हैं। अच्छा जी, पीछे रेड सर्कल में आप देख सकते हैं कि जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है वो ये हाईलाइट किया हुआ है कि वो लड़का जिसके साथ इनकी बहस हुई थी वो लड़का इनसे बहुत दूर खड़ा हुआ है। सहर हयात जो है वो अपनी अम्मी की तबीयत की वजह से बहुत डिप्रेशन में थी, बहुत ही ज़्यादा कोई परेशान थी, और जाहिर सी बात है बकौल उनके कि उनके साथ यहाँ मेरे स्टाफ के लड़कों ने बदतमीजी भी कर दी थी। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो जी ये बोल रही हैं। अच्छा जी, आप ये CCTV फुटेज देख लें, ये हमारे स्टूडियो के थर्ड बैकग्राउंड की है। इससे पहले जो है मैं आप लोगों को दो बैकग्राउंड पे और भी फर्स्ट एंड सेकंड बैकग्राउंड पे भी शूट दिखा चुकी हूँ। फर्स्ट पे जहाँ पे बहस हुई थी और उसके बाद एक अपने मोबाइल में सहर वीडियो बना रही थी, सेकंड टिकटॉक बना रही थी दूसरे बैकग्राउंड पे, और थर्ड बैकग्राउंड पे तो जो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई फुल टाइम डांस हो रहा है और फुल जो है भंगड़ा शंगड़ा चल रहा है यहाँ पे। अच्छा जी, यहाँ पर यह है कि यहाँ पे ना ही कोई काशीज़ का मोबाइल ऑन है कि कोई वीडियो बन रही हो और ना ही कोई सहर हयात का मोबाइल ऑन है। हाँ, गाने चल रहे हैं सहर हयात के मोबाइल में और ये फुल टाइम बिजी है भंगड़े शंगड़े में, मतलब ये इनको होश ही नहीं है, ये कर ही आ रही है। आप लोग भी, मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि इस वीडियो को ज़रा गौर से देखें कि मतलब डांस तो एक होता ही है, तो डांस से भी कुछ ऊपर लेवल की कोई चीज़ चल रही है। ये फुल टाइम जो है भंगड़ा शंगड़ा इनका चल रहा है और इसमें कोई ना टिकटॉक बन रहा है और ना ही कोई वो चल रही है, कोई ना ही इसमें जो है टिकटॉक बन रहा है और ना ही कोई हमारे शूट के काम की कोई, लेकिन ये शहर की इंजॉयमेंट चल रही है। और आप टाइम देख सकते हैं, इस वक्त 10:05 हुए हैं और 10:05 पे जो है ये शूट हमारा ख़त्म हो रहा है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं वही कह रही हूँ, मेरी बातें तो ख़त्म नहीं होंगी। आप लोगों ने मुझसे गार्डन की वीडियो मांगी, मैंने 1-2 जो मैं कर सकती थी आप लोगों के लिए वो मैं करती जा रही हूँ। मैंने हर चीज़ आप लोगों के आगे रखी है, आप लोगों को दिखाई है, आप लोगों को बताई है। अब ये देखें, ये शूट ख़त्म हो गया है और ये मेरा जो लाइट मैन है वो लाइट लेके चला गया और ये सहर जो है वो अंदर की तरफ जा रही हैं पार्लर के। अच्छा जी, अब जो है ये टाइम हो रहा है, शूट हमारा ख़त्म हो गया और सहर वापस ऊपर सैलून में आ चुकी हूँ और टाइम हो रहा है 10:08 और अब जो है सहर हयात ने ड्रेस चेंज कर लिया है अपना और वो हमारे हेयर वॉश कराकर अब सीट पर बैठ चुकी हैं। अच्छा जी, एक बात मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगी कि सहर जो है अपनी वीडियो में कह रही थी कि वो हमारी प्लेस पे मौजूद थी और वो बहुत डरी हुई थी और वो बहुत सहमी हुई थी, उन्हें वहाँ से निकलना था। तो देखें, अच्छा ठीक है, आप हमारा ड्रेस पहनी हुई, आप नहीं निकल सकती हैं, चले आपकी बात मान ली, आपके बाल स्टिकी हो रहे हैं, आप नहीं निकल सकती, लेकिन आप हेयर वॉश कराने के बाद अपने गीले बालों में तो निकल सकती थी ना, कोई भी बात करके, कोई भी कुछ भी कह के, आप गीले बाल तो इतना इशू नहीं थे, तो उसको प्रॉपर ब्लो ड्राई कराने की क्या ज़रूरत थी सहर हयात। सहर हयात, इसका मतलब ये है कि आप वहाँ पे बहुत रिलैक्स थी, आप चिल पिल होके अपनी सर्विसेज में ही लगी थी, आपको कोई टेंशन नहीं थी, ना अम्मी की फिक्र हो रही थी, ना ही आपके जहन में कोई दूसरी बात चल रही थी, आपको कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, और बिल्कुल आप गौर से CCTV फुटेज को देखें, आप बिल्कुल मतलब ये तो फिर से डांस हो रहा है ना, फिर से
डांस हो रहा है और ये कुछ 11 बज रहे हैं और उछलती कूदती हुई आप जो है मेरे पार्लर से निकल रहे, कहीं से ये फील ही नहीं हो रहा कि आपको भागना था, आप मेरी जगह पे मौजूद थी, आप डरी भी थी, आप सहमी भी थी, आप परेशान हाल थी, कोई चीज़ फील ही नहीं हो रही, मतलब आपका तो अभी भी मूड नहीं लग रहा और तकरीबन 11:30 बजे के करीब आप निकली हैं, ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था, मतलब आपको टेंशन ही नहीं है घर जाने की, आप तो अपनी अपने फन में लगी हुई, आप कहना क्या चाहती हैं, आपके अल्फाज, आपके जुमले, आपकी बातें सब एक दूसरे से मैच क्यों नहीं करते, क्यों मतलब आप इस तरह की ये सारी क्यूरियोसिटी कर रही हैं, क्या चाह रही हैं आप, खुल के बात करती हूँ मैंने सारी बातें आपसे खुल के की हैं, मैंने गार्डन की वीडियो भी आपको दिखा दी, मैंने हर चीज़ आप पे शो कर दी, आपकी आपकी स्टेटमेंट बदलते हुए मैंने आपको देख लिया, आपकी बातें बदलते हुए मैंने आपको देख लिया, आपकी झूठी आपकी हरकतें, आपकी बातें सब कुछ मैंने सुन लिया, ये देखें ये है आपकी असल हकीकत। सहर हयात, जैसे कि आपने अपनी वीडियो में कहा है कि काशीज के स्टाफ की तरफ से आपको धमकियां मिल रही हैं, आपको थ्रेट्स मिल रही हैं, तो जैसे आपके पास वॉइस रिकॉर्डिंग होगी हमारे स्टाफ की कि आपको उन्होंने क्या थ्रेट दी है और क्या धमकियां दी हैं, आपने और मेरे और भी स्टाफ के लोगों की वॉइस रिकॉर्डिंग वगैरह चलाई और सुनाया, तो इसी तरह से मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको जो थ्रेट्स दी गई हैं, जो आपको धमकी दी गई हैं, उसकी भी आपके पास वॉइस रिकॉर्डिंग होगी, सो प्लीज़ नीचे मेरा ये कॉन्टैक्ट नंबर है, वो वॉइस रिकॉर्डिंग भी आप मुझे सेंड, नहीं आप मुझे सेंड नहीं करें, अलबत्त आप वो वॉइस रिकॉर्डिंग भी जो है वो पब्लिक के सामने लेकर आएँ और सुनाएँ, ताकि हमें भी ये चीज़ पता चले कि भाई वो कैसी थ्रेट दी गई है आपको। तो सहर, एक दो बातों का मैंने सोचा जाते जाते आपको और आंसर दे दूं। जैसा कि सहर आपने कहा था कुछ गले के बारे में, तो आप तमाम लोग देख लें कि सहर ने जब खूब भंगड़ा डाला तो उसके बाद उनका गला नीचे आ गया और वो दोनों ठीक करने लगी, तो मेरे स्टाफ में शाये हो गया, उनमें इतनी तमीज़ है कि वो वहाँ से हट गए, वहाँ से चले गए। और जैसे कि सहर आप जानती हैं कि शूट के लिए, आप और मैं जानते हैं कि शूट के लिए हमने आपको कोई पैसे नहीं दिए और मोस्टली हम मॉडल्स को पे भी नहीं करते, हम सर्विसेज में बाटर कर देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इस तरह की हरकत करती है, पैसों की ज़रूरत थी तो हम दे देते।